सेल के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है, और छोटी वाली जो लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एंड दिस इज ईएमएफ, दिस इज ईएमएफ, है ना, और दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और सेल के बाहर जो पॉइंट होते हैं उनको कहते हैं टर्मिनल। ये पूरा बॉक्स के अंदर सेल है, ठीक है, बॉक्स के अंदर सेल है। इधर ये वाला जो पॉजिटिव साइड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। एंड सपोज पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल वी पॉजिटिव है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल वी नेगेटिव है, तो पहली क्वांटिटी डिफाइंड होती है जिसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में टीपीडी कहते हैं। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है, वी के इक्वल होती है, है ना, और सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। तो आई होप तुम्हें पता होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की वैल्यू कभी कभी बराबर होती है, किस केस में बराबर होती है, किस केस में बराबर नहीं होती है, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो अलग अलग सर्किट को एनालाइज करेंगे। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही है और की ओपन है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, सो लेट्स टॉक अबाउट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी, और टीपीडी का मतलब हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, ठीक है। नाउ अब बेसिक लगाना शुरू करो, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल तो वी नेगेटिव हो गया, अब इधर करंट फ्लो नहीं कर रही है, इधर करंट फ्लो नहीं कर रही है, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसको तुम यहाँ पे अगर वी नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पे इंक्रीज कर गया तो वी पॉजिटिव पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वी नेगेटिव पोटेंशियल था और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर गया, तो अगर वी नेगेटिव के साइड से लिखना है तो यू कैन राइट इट वी नेगेटिव प्लस ई, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर गया, तो वी कैन ओपन, फॉर ओपन सर्किट वी कैन राइट वी पॉजिटिव पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नेगेटिव प्लस ई। सो यहां पर हो गया वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू ई, एंड दैट इज बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल के बाहर जो सेल के बॉक्स के बाहर जो वायर निकले रहते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो कि ओपन सर्किट में ईएमएफ के बराबर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और इस पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इसीलिए मैंने ऐसा, तो ये ओपन सर्किट की बात कर लेते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, यहाँ पे जगह बदल लेता हूँ, टीपीडी इज वी प्लस माइनस वी माइनस, सो वी विल टॉक अबाउट क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, एस सी आई आर का मतलब क्लोज्ड सर्किट, सो क्लोज्ड सर्किट। नाउ क्लोज्ड सर्किट में क्या होगा, हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ऑब्वियसली जब सर्किट को क्लोज करोगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी, और करंट हमेशा पॉजिटिव से फ्लो करती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, ओपन रहेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी, इधर करंट फ्लो करेगी,
ऐसे करंट फ्लो करेंगे। नाउ अब सब कुछ बदल जाएगा, अब इसमें ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगी तो यहां भी करंट फ्लो करेगी, इस जगह भी करंट फ्लो करेगी, और मुझे ये जगह चाहिए तो मैं इसको खाली कर लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ क्लोज्ड सर्किट, लेट मी राइट इट हियर, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। सो क्लोज्ड सर्किट में देखते हैं क्या होता है। इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट में इस पॉइंट का पोटेंशियल वी माइनस होगा, इस पॉइंट का वी माइनस होगा, यहां तक वी माइनस रहेगा, और याद रखो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है, तो करंट हमेशा, जैसे करंट ऐसे मूव कर रही है, ये थोड़ा सा छोटा है ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी, ये रेजिस्टेंस के लिए, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस में रेड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसमें भी दिखा देता हूँ करंट ऐसे रेड डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो रेड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है दैट इज लो पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है, और यू कैन से कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, ठीक, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल वी माइनस है और करंट के अक्रॉस चलने पर पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं वी माइनस माइनस आई आर, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब माइनस है ना, वी माइनस से इतना कम हो जाएगा। फिर सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल को लिखना है तो इस, ये तो वैल्यू इतनी आ गई, प्लस इंक्रीज कर जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक है, दैट इज वी माइनस, वी माइनस, वी माइनस माइनस आई आर तो पहले ही हो गया था, एन प्लस ई, ठीक है, और ये पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए, तो यू कैन से कि ये यहां पे तो सेम पोटेंशियल होगा, बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो पॉजिटिव पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज यहां पे नेगेटिव होगा, वी वन नहीं, वी नेगेटिव, वी नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी नेगेटिव माइनस आई आर प्लस, सो पोटेंशियल डिफरेंस, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई माइनस आई आर, ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई माइनस आई आर, तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज है यहां पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर आर है, और मैंने स्टार्टिंग से तुम्हें यही ट्रिक समझाई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हर जगह हम यही ट्रिक यूज करेंगे, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह एक ही है कि कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता, ट्रिक क्या कंसेप्ट है, कनेक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, वी पॉजिटिव वी पॉजिटिव वी पॉजिटिव, यहाँ भी वी पॉजिटिव होगा एवरीवेयर, बिकॉज दिस इज कनेक्टिंग वायर, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वी पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या है, वी नेगेटिव है ना, वी नेगेटिव हर जगह वी नेगेटिव होगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, वी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस की साइड से लिखें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहां से लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वी पॉजिटिव, लेट मी चूज अनदर कलर सो दैट व्हाइट व्हाइट मिक्स ना हो जाए, सो वी पॉजिटिव माइनस वी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या ऐसे देखो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई को लो से माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा, तो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर के बराबर, आई इंटू रेजिस्टेंस के बराबर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, किसके इक्वल, ये यहां से क्या आया था, वी ये ई माइनस आई आर, तो यहां पे अगर देखेंगे
तो ये ई माइनस आई आर भी है और आई आर भी है. अगर दोनों को इक्वेट कर दोगे, कर सकते हो, कंसेप्चुअल पॉइंट है, न्यूमेरिकल में कंसेप्ट ध्यान में रखने होंगे इसमें, कोई भी ऐसा डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला नहीं है और कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैं कर रहा हूँ वो कंसेप्ट याद रखो, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, है ना. कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट से छोटा सा फॉर्मूला बार बार निकल आएगा. तो अगर दोनों को इक्वेट करना चाहो तो इक्वेट कर सकते हो. यू कैन राइट आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो ये आ जाएगा, आई को इधर ले लेंगे तो आई आर प्लस स्मॉल आर इस तरफ आ गया इज इक्वल टू ई एम एफ. एंड करंट की जो वैल्यू आ गई ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर. अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है कि एक्चुअली में अगर ऐसे ट्रीट करो सेल को, मतलब सिंगल सेल को ट्रीट करो, तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. देखो यहां पर अगर जीरो ले ले, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर और समथिंग वेरी डिफरेंट. हाँ, यहां पे अगर हम जीरो ले लें, है ना, थोड़ी सी मैं जगह भी बना लूं, ये तो समझ में आ गया होगा. देखो इसमें, और इसको ढंग से समझ लो क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, हर एंगल से समझ लो इस चीज को. तो अगर यहां पे जीरो ले लें तो ऑब्वियसली इस एंड पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, ई के बराबर. एंड यू कैन एज्यूम कि स्मॉल आर और कैपिटल आर सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस वाले वायर के एंड पे पोटेंशियल जीरो है और इस वाले वायर के एंड पे पोटेंशियल कितना है, ई है. ठीक है, तो दोनों वायर एक तरह से कैपिटल आर और स्मॉल आर सीरीज में हो गए. तो वैसे भी करंट को चेक करना है तो आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा. तो लॉजिकली भी ये बात समझ में आती है सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन से. तो ये हो गया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट. तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को हमने एनालाइज कर लिया.